यार बच्चों, हम यहाँ पर डिस्कवरिंग टू प्रागा कंटिन्यूस पढ़ रहे थे। उसके बारे में मैंने मम्मी की स्टोरी बताई थी और राजा टुट के बारे में बताया था। आज मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है? आपको ये क्वेश्चन और क्वेश्चन लिखे हुए, क्वेश्चन को हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट किया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द किंग्स टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। स्क्रूटनी यानी जांच होना। जैसे आप कहीं पे फॉर्म वगैरह भरते हो, कुछ पेपर वगैरह देते हो, तो जांच होती है, उसी को हम स्क्रूटनी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है राजा के शरीर की जांच बार बार क्यों हुई। आंसर है, किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। राजा टूट की शरीर की जांच बार बार इसलिए हुई बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द लास्ट हेयर, हेयर यानी उत्तराधिकारी ऑफ पावरफुल फैमिली ऑफ दैट रूल्ड किंगडम। क्योंकि वह उस किंगडम यानी साम्राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी या वारिस था, उत्तराधिकारी या वारिस था, इसलिए उसके शरीर की बार बार जांच हुई। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो हावर्ड कार्टर से रिलेटेड है। आपको मालूम है कि हावर्ड कार्टर ने मम्मी की जांच की थी, तो वही उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड, इसका मतलब है हावर्ड कार्टर की जांच का विरोध क्यों हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि उसने मम्मी को बाहर निकाल लिया था और मम्मी को निकालने के बाद सीधे खुद ही जांच में शुरू हो गया, जबकि मम्मी निकल नहीं रही थी। तो क्या हुआ? कार्टर इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड, उसकी जांच का विरोध हुआ। रिसेंटेड यानी विरोध हुआ, बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड यानी अवैज्ञानिक तरीके से उसने काम करना शुरू कर दिया। टू कट द बॉडी फ्रॉम वुडन बेस, जो मम्मी जिस लकड़ी के पटिए पे रखी हुई थी उसको अवैज्ञानिक तरीके से काट कर उसने उसको इन्वेस्टिगेट या जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया था, ठीक है? इसलिए उसका विरोध हुआ। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था जो राजा टुट था वो अंतिम फेरो था, उसकी एज बहुत, उसकी डेथ बहुत कम एज में हो गई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि मिस्र में या इजिप्ट में एक परंपरा थी कि जब राजा मर जाता था तो उन लोग विश्वास करते थे कि यह कुछ टाइम के बाद फिर से जिंदा हो जाएगा, इसलिए वो दफन करने के पहले एक उसको बड़े ताबूत में रखते थे। ताबूत में रखने के बाद उसके ऊपर एक केमिकल का लेप रख करते थे जिससे उसकी बॉडी खराब नहीं होती है। उसको लपेट देते थे कपड़े में और वही मम्मी कहलाती थी। और उसके साथ साथ बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण सामग्री, खाने पीने, हर चीज़ सुख सुविधा के साथ रख देते थे और ये विश्वास करते थे कि वह कुछ टाइम के बाद जिंदा हो जाएगा। इसी के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है। टुट्स बॉडी वॉज वरीड यानी दफनाई गई थी विद द गिल्डेड ट्रेजर्स, बहुत सारे सोने चांदी के आभूषणों के साथ, क्यों? तो इसका आंसर भी आप हो तो देखिए उसी के साथ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया होगा उसी से रिलेटेड होगा। आंसर है, द एंशियंट यानी पुराने टाइम के, द रॉयल्स ऑफ द इजिप्ट, रॉयल यानी रईस राजघराने के, इजिप्ट वेयर फेवसली वेल्दी, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा इनके पास होता था। दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, वो मरने के बाद पुनः जिंदा हो जाने की कल्पना करते थे या विश्वास करते थे। सो गिल्डेड ट्रेजर्स वेयर बरीड विद देम, इसलिए उनको जब दफनाया जाता था तो उनके बहुत सारे सोने चांदी आदि के साथ उनको दफना दिया जाता था। ये क्वेश्चंस हैं, अभी एक दो क्वेश्चन अभी और मैं करा रहा हूँ, बाकी आपको लिखने के लिए दूंगा, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा।